अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब किसी मूवी के शोज कैंसिल होते हैं तो मूवी फ्लॉप हो जाती है। केरल स्टोरी के भी कई सारे शोज कैंसिल हुए हैं। दरअसल केरला में करीब करीब 50 स्क्रीन्स के ऊपर इसकी शोकेसिंग होनी थी, लेकिन भारी विवाद के चलते इसको केरला में मात्र 17 स्क्रीन्स के ऊपर ही रिलीज़ किया गया। उसके बावजूद भी इस मूवी ने जिस तरह का कलेक्शन करके निकाला है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब कोई मूवी के शोज़ कैंसिल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो उस मूवी को लेकर एक नेगेटिव पब्लिसिटी जाती है कि यार इसके तो शोज़ कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन केरला स्टोरी को पॉजिटिव पब्लिसिटी और माउथ पब्लिसिटी का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में जहां इस मूवी ने पहले दिन 6.5 से 7.5 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं दूसरे दिन के प्रेडिक्शन 10 करोड़ रुपए इसकी संभावित आय बता रहे हैं। अब देखना होगा कि संडे खत्म होते तक ये मूवी कितना कलेक्शन निकालती है और पहला वीकेंड का कलेक्शन क्या इसका कश्मीर फाइल से ज़्यादा रहता है।